सो फ्रेंड्स, आ चुका है हमारे पास इन्फिनिक का हॉट 10S। तो इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं इन्फिनिक हॉट 10S के बारे में। तो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखते रहना, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा एक बजट रेंज में स्मार्टफोन है और इसके प्रोज एंड कॉन्स जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसे इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो गाइस, चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले, हे गाइस, दिस इज मनीष एंड वॉचिंग टेक्नोलॉजी, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले करते हैं हम इसके अनबॉक्सिंग के समय हमें इस बॉक्स को मैं ओपन करता हूं, तो आप लोग देख सकते हो कि यहां पे हमें एक हैंडसेट मिलता है और एक अडैप्टर मिलता है और एक माइक्रो एसबी पोर्ट हमें यहां पे चार्जर यहां पे हमें देखने को मिलता है। गाइस, ये माइक्रो एसबी टाइप सी नहीं है, तो मैं इन्फिनिक्स से कहना चाहता हूं कि भाई अपना सुधारो थोड़ा सा और इसको टाइप सी करने की कोशिश करो। देन दोस्तों, हम यहां पे इसकी डिज़ाइन की बात करते हैं। तो गाइस, आपको इसमें 17.32 सेंटीमीटर का यहाँ पे आपको फ़ोन का साइज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और आपका जो इसका बैक है ये काफ़ी ज़्यादा कूल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे मुझे लगा इसको देखने में। इसका बैक काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे आपको इसके जो नॉच है वो आपको ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाता है, बीच में सेंटर में आपको एक कैमरा ही देखने को मिलता है और आपको जो ये फ़ोन है ये एक बिल्कुल फुल डिस्प्ले है। दोस्तों, बात करें हम बिल्ड क्वालिटी की, तो इससे पहले मैं इसके आपको प्राइस रेंज के बारे में क्लियर कर दूं। तो दोस्तों, इन्फिनिक हॉट 10S के दो वेरिएंट आते हैं। पहले वेरिएंट 464 का आता है और दूसरा वेरिएंट यहाँ पे 664 का आता है। तो 464 वाला वेरिएंट आपको 9,500 रुपये से 10,000 के बीच में आपको देखने को मिल जाता है, सेल में 9,500 का भी सेल होता है, और 664 वाला वेरिएंट आपको लगभग 11,000 से 10,000 के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर हम इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये पूरा एकदम प्लास्टिक बिल्ड है, यहाँ पे ग्लास का यूज़ ज़्यादा नहीं किया गया है, डिस्प्ले तो ग्लास का होता ही है, और बैक में आपको पूरा प्लास्टिक बिल्ड आपको देखने को मिल जाता है। देन दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इसका एक जो लुक है ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इसका जो बैक है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा, मुझे पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो दोस्तों, इसका जो बैक है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। देन यहाँ पे अगर हम इसकी हाइट के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसकी हाइट है 171 mm इसकी हाइट है, और इसकी जो डेप्थ है, यहाँ पे हम बात करें इसकी डेप्थ की, तो यहाँ पे 9.2 mm इसकी डेप्थ है, और इसके अगर हम चौड़ाई की बात करें, विड्थ की बात करें, तो यहाँ पे आपको 77 mm कि इसकी वेट देखने को आपको मिल जाती है। और इसके अगर हम वेट की बात करें, वेट तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वेट यहाँ पे इसका लगभग 211 ग्राम है। जी हाँ, इसका जो वेट है वो 211 ग्राम है, थोड़ा सा ये हैवी वेट हो जाता है, बिकॉज इसमें 6000 mAh की बैटरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। सो इससे आपका क्या टाइम यहाँ पे आपका इंक्रीज़ होने वाला है, बैटरी की लाइफ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाली है, बिकॉज 6000 mAh की बैटरी यहाँ पे यूज़ हुई है। देन दोस्तों, यहाँ पे अगर हम पोर्ट्स और बटन की बात करें, तो यहाँ पे आपको साइड में आपको यहाँ पे दो वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और नीचे की साइड आपको यहाँ पे आपको पावर बटन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे और अगर हम ऊपर की बात करें, तो ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, नीचे यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं और आपके चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, और आपको यहाँ पे 3.5 mm जैक देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बात है, और यहाँ पे आपको एक माइक का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके सिम स्लॉट के, तो यहाँ पे आपको दो नैनो सिम के स्लॉट आपको देखने को मिल जाते हैं, और एक 256 GB तक की एक्सपेंडेबल मेमोरी आपको यहाँ पे माइक्रो सिम कार्ड का स्लॉट आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की, डिस्प्ले में तो इसने सभी ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया है। अगर प्राइस रेंज के हिसाब से बात करें तो डिस्प्ले में इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है इस बार। तो डिस्प्ले में आपको इसके जो डिस्प्ले है वो 6.82 इंच की आपको यहाँ पे फुल HD डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, और इसकी जो डिस्प्ले है वो LCD IPS बेस्ड डिस्प्ले है, जो कि काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, और इसमें आपको आई केयर मोड आपको देखने को मिल जाता है इसके डिस्प्ले में,
और यहाँ पे डिस्प्ले में कोई कमी नहीं है। और डिस्प्ले में आपको यहाँ पे 90 हर्ट्ज तक का यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 180 हर्ट्ज तक का आपको सैम्पलिंग रेट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें आई केयर मेट तो दिया ही हुआ है, जिससे कि आपकी आई को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें इसके OS की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे OS UI में आपको XOS 7.6 वर्जन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि Android 11 पर बेस्ड है। Android 11 भी एक बहुत ही लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है, तो ये इसमें यूज़ हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इन्फिनिक्स ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे अगर हम OS परफॉर्मेंस की, ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो काफ़ी अच्छा लेटेस्ट वर्जन होने के साथ साथ इसमें आपको परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इसमें आपको परफॉर्मेंस की ज़्यादा कोई कमी नहीं आने वाली है। तो ये इसके तक अगर आप मिड रेंज में फ़ोन देख रहे हैं, तो इससे बढ़िया फ़ोन मुझे नहीं लगता इंटरनेट पर कोई हो सकता है। तो बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको लुक वाइज आपको सारा कुछ यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहा है बिल्कुल मिड रेंज में, तो इसके साथ आप जा सकते हैं। तो दोस्तों हमने फीचर्स तो देख लिए, अब इसकी परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करें, तो इसके जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर है दोस्तों, यहाँ पे आपको मीडियाटेक हीलियो का G85 गेमिंग प्रोसेसर आपको देखने को मिलने वाला है। सो इसमें ऑक्टा कोर 8 कोर के प्रोसेसर्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि गेमिंग प्रोसेसर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको गेमिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और इसमें कोई भी किसी भी तरीके का आपको कोई भी लैग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, तो यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस थोड़ी मिड रेंज की आपको देखने को मिल जाती है। और गेमिंग की बात करें, तो यहाँ पे आप गेमिंग को हाई सेटिंग पे तो नहीं खेल सकते हैं, हाई सेटिंग में आपको जो FPS है वो कम मिलने लगेंगे, और यहाँ पे आप लो सेटिंग या फिर मिड सेटिंग में आप अच्छा खासा गेमिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके जो गेमिंग फीचर्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसमें भी आपको इसके थर्मल्स मैनेज करने के लिए, इसके जो बूस्टर्स हैं उसको मैनेज करने के लिए, डिस्प्ले को मैनेज करने के लिए यहाँ पे आपको ये डेडिकेटेड यहाँ पे आपको एक फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि गेमर्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक मिड रेंज स्मार्टफोन में इतनी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन आपको देखने को किसी भी लगभग फ़ोन में नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप बात करें कैमरा की, तो कैमरा में यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिल जाता है, और आपको यहाँ पे और 2 एम्पियर का यहाँ पे आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है, और उसके बाद साइड में आपको यहाँ पे AI लेंस कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक फ्लैश बैक लाइट मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम फ्रंट की बात करें, फ्रंट कैमरे की बात करें, तो आपको 12 एम्पियर का यहाँ पे कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको साथ में 2 लाइट है, यहाँ पे फ्रंट में 2 लाइट है और बैक में 1 लाइट है आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। किसी भी फ़ोन में ऐसा फीचर्स यहाँ पे नहीं दिया गया है जो कि फ्रंट में 2 लाइटें देते हों। देन दोस्तों अगर यहाँ पे हम सेंसर्स की बात करें, तो सेंसर्स में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एक फेस अनलॉक, जो कि आपके जो कि काफ़ी अच्छा बहुत ही जल्दी यहाँ पे कैचिंग कर लेता है, और आपको यहाँ पे पीछे की साइड बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे 6.82 इंच की फुल HD डिस्प्ले दी गई है। तो यहाँ पे जो फ़ोन है ना, ये काफ़ी आम फ़ोनों से ये काफ़ी ज़्यादा फ़ोन बड़ा हो जाता है। तो इससे अगर आपकी फिंगर छोटी है, तो यहाँ पे शायद आपका जो फिंगर है वो आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट तक आपका फिंगर ना पहुँच पाए, बिकॉज ये फ़ोन जो है काफ़ी लंबा है, तो यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट है उसका थोड़ा ऊपर दिया हुआ है, तो इससे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इससे यहाँ पे ये इसका मुझे थोड़ा सा कॉन्स लगा, और बाकी चीज़ें तो इसमें अच्छी ही हैं, और ये इसकी थोड़ी मुझे डिमेरिट लगी। और अगर हम बात करें इसकी कनेक्टिविटी की, तो गाइज यहाँ पे आपको 2 नैनो सिम लगाने का पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट है, और आपको हॉटस्पॉट भी यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन का हॉटस्पॉट यहाँ पे यूज़ किया गया है, वाईफाई भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन आपको देखने को मिल जाता है, और 2G 3G 4G वोल्टी कॉल्स आपको यहाँ पे सपोर्टेड यहाँ पे हैं, और आपको सारा कुछ यहाँ पे इस फ़ोन में कोई भी कमी नहीं आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी आपको इस फ़ोन में प्रोवाइड हो जाएगी। देन दोस्तों यहाँ पे अगर इसके हम अदर फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको जो बोथ साइड में आपको फ्लाइट यहाँ पे फ्लैशबैक आपको देखने को मिल जाता है, लाइट्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है, और इसके में जो गेमिंग मोड है इसका ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। अगर आप इसको नॉर्मल मोड में अगर गेमिंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको गेमिंग मोड में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये फ़ोन में अगर यहाँ पे अगर आप मेरे अकॉर्डिंग अगर पूछे, तो ये फ़ोन हाँ उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जो कि एक मिड रेंज में गेमिंग करते हैं। अगर गेमिंग के लिए पर्पज़ से आप ले रहे हैं, तो इसे ना ही लें तो बेटर है, बिकॉज़ ये गेमिंग के लिए नहीं है। और इसमें इसकी बात करें, तो यहाँ पे आपको जो 2 GHz तक की यहाँ पे प्राइमरी क्लॉक स्पीड आपको देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से इसमें जो गेमिंग है वो थोड़ी ज़्यादा
ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाती, थोड़ी इम्पॉसिबल गेमिंग होती है यहाँ पे। गेमिंग यहाँ पे थोड़ी लो सेटिंग पे हो सकती है, मिड सेटिंग पे होती है, बट हाई सेटिंग में गेमिंग नहीं चलने वाली है, तो गेमर्स के लिए ये तो बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो कि हाँ कभी कभार गेमिंग कर लेते हैं और फ़ोन चलाते हैं, तो ये उन्हीं लोगों के लिए तो फ़ोन में कोई कमी नहीं है, फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी लाइक कर देना, बिकॉज इतनी मेहनत करने के आपको कुछ पैसे नहीं पे करने हैं, आपको लाइक करना है और उसके बाद आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा।